आखिर कौन थे भगवान श्री कृष्ण के 80 पुत्र? भगवान श्री कृष्ण ने कितनी शादियां की और उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों का क्या हुआ? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण जिनके कारण ही महाभारत धर्म की ओर झुक पाया, एक ऐसा महासंग्राम युद्ध जिसमें अधर्म पर धर्म की विजय हुई, जिसका पूरा श्रेय स्वयं भगवान श्री कृष्ण को जाता है, जिन्होंने स्वयं मानव रूपी अवतार लेकर पूरे संसार का कल्याण किया। अपनी पिछली कुछ वीडियोस में हमने पहले ही आपको भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश से जुड़ी हुई वीडियोस बनाई हैं और उसमें आपको विस्तार से समझाया है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के कुल की, यानी कि उनके पुत्रों की और उनकी धर्म पत्नियों की। आर्यभट्टा के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ। इस युद्ध के 36 वर्ष पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह को त्याग दिया और तभी से कलयुग का आरंभ भी माना जाता है। पुराणों के अनुसार 8वें अवतार के रूप में विष्णु जी ने स्वयं एक मनु व्यवस्थ अवतार लिया। कहते हैं उनका जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7वें मुहूर्त निकलने के बाद 8वें मुहूर्त में हुआ। तब रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि थी, जिसके संयोग से जयंती नामक योग के लगभग 3122 ईसा पूर्व को उनका जन्म माना जाता है। ज्योतिषों के अनुसार रात के 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि 8 महिलाओं से विवाह किया था और इन 8 महिलाओं को ही कहा जाता है अष्टाभार्या, और इनसे उन्हें प्राप्ति हुई थी 80 पुत्रों की। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर सबसे पहले वो 8 महिलाएं कौन थी जिन्हें अष्टाभार्या कहा जाता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की इन 8 पत्नियों का नाम था रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इसके अलावा हमारे श्रीमद् भगवत पुराण में भी 16,000 पत्नियों के बारे में बताया गया है, लेकिन कहते हैं कि वो 16,000 पत्नियों से उन्हें कोई भी पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई थी, लेकिन मुख्यतः 8 पत्नियों से ही उन्हें 80 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उनके 80 पुत्रों के नाम क्या थे। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी से उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इनमें सबसे बड़े थे प्रद्युमन, उसके बाद चारुदेषण, सुदेषण, चारुदे, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। उसके अलावा उनका दूसरी पत्नी के साथ विवाह हुआ जिनका नाम था जामवंती, और उन्हें उनसे प्राप्त हुए सांब, सुमित्रा, पुरजीत, शतजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु। वहीं उनकी तीसरी पत्नी थी सत्यभामा जी, जिनसे उन्हें दोबारा से 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम थे भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृधानु, अतिभानु, श्रीभानु, प्रतिभानु। वहीं उनकी चौथी पत्नी यानी कालंदी से भी उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, श्रोत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक। वही उनकी पांचवी पत्नी यानी कि मित्रविंदा, उनसे उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: व्रक, हर्ष, अनिल, ग्रत, वर्धन, अनाथ, महांस, पावन, वहनी और शुधे। वहीं उनकी छठी पत्नी जो कि स्वयं लक्ष्मणा थी, उनसे भी उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम थे प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उद्वर्ग,
महाशक्ति, सहा, ओज और अपराजित। उनकी सातवीं पत्नी यानी सत्या से उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जिनके नाम थे वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंत। वहीं उनकी आठवीं और आखिरी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम था भद्रा, जिनसे उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, संग्रामजीत, रहतसेन, शूर, प्रहरण, अरिजीत, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। कुल मिलाकर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों से उन्हें 80 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनके 80 पुत्रों का क्या हुआ? तो आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं कि उनके पूरे के पूरे कुल का नाश हो गया था। जहां भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने से पहले ही उनके सभी पुत्र बलि चढ़ चुके थे। यदुवंश आपस में लड़कर ही मर चुका था। जहां स्वयं एक तरफ गांधारी का श्राप कार्य कर रहा था, तो वहीं उनकी दूसरी पत्नी जो कि स्वयं जामवंती थी, उन्हें उनसे सांब नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो कि बहुत ही अन्यायी था और जिसके कारण ही उन्हें और उनके कुल को एक अन्य श्राप मिला। इससे जुड़ी हुई एक डिटेल वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आई कार्ड में भी वो वीडियो अभी आपको दिखाई दे रही होगी, तो उस वीडियो को भी आप बारीकी से समझ सकते हैं, जहां हमने जिक्र किया है कि आज के यादव क्या भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश से जुड़े हुए हैं। तो उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।